श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में, जो कि अभी अषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में चार बार जो है वो माँ दुर्गा के नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें से जो है दो बार तो हम बड़ी धूमधाम से जो है हम नवरात्रे मनाते हैं, एक बार शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। वहीं दूसरी ओर जो गुप्त नवरात्रे हैं वो वर्ष में दो बार आते हैं, एक बार आते हैं माघ मास में और दूसरे आते हैं अषाढ़ मास में। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अषाढ़ मास में जो नवरात्रे आ रहे हैं ये कब से शुरू हैं, और इसमें जो है मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी और मनोकामना पूर्ति के लिए एक उपाय बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गुप्त नवरात्रे जो है ये अषाढ़ मास में जो शुरू हो रहे हैं, ये हो रहे हैं 30 जून 2022 गुरुवार के दिन ये शुरू होंगे। यानी पहला नवरात्रा जो है वो 30 जून गुरुवार के दिन है, और ये जो है ये 8 जुलाई तक ये नवरात्रे जो है वो चलेंगे। तो गुप्त नवरात्रे में जो की गई पूजा अर्चना होती है, जो हम उपाय करते हैं, जो हम टोटके करते हैं गुप्त नवरात्रे में, उनका जो है बड़ा चमत्कारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और अगर हम पूरी श्रद्धा भावना से गुप्त रूप से हम जो है पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी हर मनोकामना जो है इसमें पूर्ण होती है। तो गुप्त नवरात्रे का जो पहला दिन है गुरुवार का, इस दिन जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छे योग भी बन रहे हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र भी इस दिन बन रहा है। तो इस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर जो है कोई धार्मिक काम भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, वो आपको जो है बड़ा शुभ माना जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो पूजा करनी है, ये जो उपाय करना है, शाम के समय जब आप जो है अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, जो आप दिया लगाते हैं शाम के समय अपनी पूजा घर में, तब आपने क्या करना है, माता रानी की जो है आपने प्रतिमा यानी कि जो भी मूर्ति आपके घर में है वो स्थापित करनी है। फिर आपने जो है पूरी श्रद्धा भावना से जैसे आप पूजा करते हैं ऐसे करिए, लाल रंग का एक पुष्प जो है माता रानी के चरणों में समर्पित करिए, सिंदूर और लाल रंग की चुनरी जो है वो माता रानी को ओढ़ाइए, और इसके साथ ही घी का दिया जो है वो आप लगाइए। और जो माता रानी को भोग लगाना है ये आपने गाय के घी की बनी हुई कोई भी मिठाई जो सफेद रंग की हो उसका आपने जो है भोग लगाना है। पूरे 9 दिन जो है माता रानी की इस तरह से पूजा आराधना जो है गुप्त रूप से करनी है। यानी कि ये जो आप पूरा पूजा अर्चना करेंगे इसके बारे में आपने किसी को भी नहीं बताना है। अगर जो है घर में एक जना पूजा कर रहा है तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी कामना के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये जो सारा पूजा आराधना जो है आप कर रहे हैं। पूरे 9 दिन आपने गुप्त रूप से ये जो है पूजा आराधना माता रानी की करनी है। तो आप खुद देखेंगे आने वाले नवरात्रि में माता रानी आप जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी करेंगी, आपको आपका मुंह मांगा जो फल है वो माता रानी प्रदान करेंगी। तो इस गुप्त नवरात्रे में आप भी अपनी कामना के साथ गुप्त रूप से माता रानी के जो है उपाय करिए, माता रानी की पूजा अर्चना करिए, इसका बहुत ही चमत्कारी और जो है चमत्कारी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी और भी ज्ञान भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। गुप्त नवरात्रे में किए जाने वाले और भी चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।